हम सबकी ये राय है कि इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए। नो नो सॉरी, दुनिया की पुलिस जिसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, उस वसीम खान को किसने गिरफ्तार किया? महाराष्ट्र पुलिस के एक ऑफिसर ने, और ये हमारे लिए फख्र की बात है। अब सिर्फ इसलिए कि हम उससे कुछ कबूल नहीं करवा सके, इसलिए इस केस को सीबीआई को सौंप दें। इससे हमारे डिपार्टमेंट की कितनी इंसल्ट होगी, कभी सोचा है आपने? नहीं, ये केस सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। हमारे ही डिपार्टमेंट का कोई काबिल ऑफिसर इस केस को हैंडल करेगा। तो फिर जिस ऑफिसर ने वसीम खान को गिरफ्तार करके इस डिपार्टमेंट का रुतबा बढ़ाया है, उसे ही ये केस क्यों नहीं दे दिया जाए? बिल्कुल सर, डीसीपी आजाद से बेहतर और कौन होगा? ये तो अच्छे अच्छों की जुबान खुलवा चुके हैं। मिस्टर आजाद, क्या कहना है आपका? सर, मैं ये केस लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? सर, हम जेल में क्रिमिनल्स को इसलिए रखते हैं ताकि वो सुधरे, लेकिन ऐसा होता नहीं। आज जितनी भी जेलें हैं सब उनका अड्डा बन चुकी हैं, जहां वो सेल्युलर फोन के जरिए अपना गुंडा राज चलाते हैं। और ऐसी किसी जेल में हम वसीम खान को रखकर पूछताछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे वसीम खान के लिए एक स्पेशल सेल चाहिए जहां सिर्फ मेरे सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे। ओके, गो अहेड, वेलकम। अच्छा इंतजाम किया है तुमने, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। अपनी सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम। ये स्पेशल ऑफिसर्स, स्पेशल सेल, टाइट सिक्योरिटी, वेस्ट, टोटल वेस्ट। तुम मुझसे कोई सुराग या कोई सबूत हासिल नहीं कर सकते, अभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारी ताकत की हद सिर्फ इन सलाखों तक है, लेकिन मेरी ताकत की हद जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते वहां तक है। है नहीं थी कल तक, अब तेरी हद इस जगह तक ही है, और तुझे बाकी की जिंदगी जो बहुत कम बची है यहीं गुजारनी है। डीसीपी आजाद, तुम एक मामूली से पुलिस ऑफिसर हो, पीएम या प्रेसिडेंट नहीं, कि तुम जो चाहोगे वही होगा। लेकिन मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैन पावर है, मनी पावर है। मैं तो जब चाहूं यहां से बाहर जा सकता हूं। वसीम खान, ये तेरी खाला का घर नहीं है कि तू जब चाहे आए जब चाहे चला जाए। यहां से बाहर जाना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। आई कैन, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं यही तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोजी ना मिले, बदन पर कपड़े ना हो, सर पर छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बाजी लगा देते हैं। और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं हम। तुम लोगों का दिया हुआ एक एक जख्म अभी तक हरा है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम लोगों के साथ सरहद पर नहीं लड़ेंगे हम। अब हम भीतर घुसकर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे। तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है फैसला कर ले। फोन कराने के लिए आपने? हां, मैंने कहा था। वसीम खान के बारे में आप? यस, वसीम खान सिर्फ एक टेररिस्ट ही नहीं, वो एक
पावरफुल इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है। उसे कस्टडी में तो कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं। उसे कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। तुमने जब से उसे गिरफ्तार किया है मेरी परेशानियां बढ़ गई हैं। तुमने उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। उसे बहुत दिनों तक कस्टडी में रखना डेंजरस होगा, इसलिए जल्द से जल्द उसे सेफली इंडिया से बाहर भेजना होगा। व्हाट? आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं सर? सॉरी सर। सर, अब वसीम खान को अच्छी तरह से जानते हैं सर। आज जोगेश्वरी में जो दंगे फसाद हुए वो सब उसी ने किए, और वो सब उसने मेरी कस्टडी में होते हुए किया सर। उसकी वजह से आज सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, और आप कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दूं? नहीं सर, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसे। इस देश के बाहर सिर्फ उसकी लाश जाएगी, सिर्फ उसकी लाश। देखो, दंगे फसाद होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? यू आर ए पुलिस ऑफिसर, यू लाइक ए पुलिस ऑफिसर। तरक्की करनी है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो। तुम्हें दंगों के बारे में कब पता चला? आज सुबह। मुझे दो दिन पहले से मालूम था। क्या? मैं जानता हूं तुम अंजलि और बच्चों से बहुत प्यार करते हो। तुम नहीं समझोगे, ये बड़े ऊंचे दर्जे के पावर गेम है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो। सेफ्टी के साथ वसीम खान को बाहर भिजवाने का बंदोबस्त कर दो। हाँ, अगर ऐसा करते हुए तुम्हारा जमीर तुम्हारे आड़े आता है तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर बीवी बच्चों के साथ बाहर चले जाओ। सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। राइट। सुनो, तुम्हारी स्पेशल सेल में जो ऑफिसर्स हैं उनकी मौत की खबर सुनकर तुम परेशान मत होना, क्योंकि वसीम खान के निकलने के लिए उनका मरना बहुत जरूरी। रहीम, तुम ठीक हो ना? हाँ सर, लेकिन आपने क्या तरकीब निकाली सर, वरना वो लोग मुझे जान से ही मार डालते। थैंक यू सर। कल सुबह की फ्लाइट से जामा मस्जिद के इमाम यहाँ आ रहे हैं। वो लोग उन्हें एयरपोर्ट पे ही मारने की बात कर रहे थे सर। इमाम को? वो इमाम को क्यों मारना चाहते हैं? अंदर नहीं जाएगा। ओके। हाँ देशमुख, सब तैयारी हो गई? सर, आपके कहने के मुताबिक सब कुछ हो गया। गेट नंबर 1 पे तिवारी है, गेट नंबर 2 संभाल रहा है शानबाग, और गेट नंबर 3 पर शर्मा चौक से। ठीक 7 बजे फ्लाइट टच डाउन होगी और 7:15 बजे इमाम गेट नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। और जैसे आपने कहा था सर, 150 स्पेशल कमांडोज का बंदोबस्त कर दिया। 7 बजे सब एयरपोर्ट के बाहर असेंबल हो जाएंगे, और जब तक इमाम दिल्ली की फ्लाइट पर शाम को नहीं बैठते वो सब हमारे साथ होंगे। सर, एक बात पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? एक इमाम के लिए इतनी सारी सिक्योरिटी सर? बिल क्लिंटन के वक्त भी इतनी सिक्योरिटी नहीं रखी थी हमने। देशमुख साहब, इमाम साहब यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता संघ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं, और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्हें कोई मारना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए यहाँ इतनी सिक्योरिटी है। अंडरस्टूड? यस सर। सो बी अलर्ट। राइट सर। भाई, इतनी सिक्योरिटी? अगली फ्लाइट से पीएम आने वाले हैं क्या? जनाब, ये सिक्योरिटी आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ, आपकी जान को खतरा है ना। इमाम साहब, मुंबई में आपका स्वागत है। आपको यहाँ खरोच तक नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब मुझे यकीन हो गया है। जब तक इस देश में तुम जैसे ऑफिसर मौजूद हैं, राम और रहीम को लड़ाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। आमीन। बहुत चालाक है तू, मेरे आदमी को मारा, उसके जेब में पर्ची डाली ताकि वो मैसेज तेरे आदमियों तक पहुंचे और वो इमाम को मार डालें। मुसलमान गुस्से में आके हिंदू पर अटैक करेगा और फिर दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा तूने सोचा वैसा नहीं हुआ, अब वो होगा जो मैं सोचूंगा। तूने कहा था ना कि कोई सुराग या सबूत नहीं मिलेगा, मुझे सबूत मिल गया है,
पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा, फिर तुझे। बढ़िया जगह है, हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, ये मंदिर बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना, और देखिए इसकी खूबसूरती आज तक इतनी भी कम नहीं हुई। मैं मंदिर की नहीं, मंदिर के आसपास की 500 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूँ। मंदिर की बात तो पुजारी करते हैं, मैं तो व्यापारी हूँ। ये जमीन हमें पसंद आ गई है, हमें चाहिए। लेकिन ये जमीन मंदिर के नाम है। मंदिर के नाम हो या शंकर सिंघानिया के नाम हो, दोनों एक ही बात है। और वैसे भी जमीन की जरूरत भगवान को नहीं, इंसान को होती है। मूर्ति हटाओ या मंदिर, ये जमीन हमें चाहिए तो चाहिए। अपनी दलाली के साथ इसकी कीमत हमें बता दें। नमस्कार, आज की खास खबर।